अगर आपने हाल ही में ओप्पो वीवो आई क्यू या रियलमी का कोई भी सेट खरीदा है और बाय डिफॉल्ट गूगल का डायल पैड देखने को मिला है और इसके थ्रू जब भी आप कॉल करते हैं एंड कॉल को रिकॉर्ड करते हैं तो एक अनाउंसमेंट सुनने को मिलता है और अब आप चाहते हैं कि गूगल डायल पैड को रिमूव करना एंड ऑफिशियल ओप्पो वीवो आई क्यू या रियलमी के डायल पैड को इंस्टॉल करना, तो ये वीडियो खास आपके लिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊं कि कैसे आप ऑफिशियल ओप्पो वीवो आई क्यू या रियलमी डायल पैड को अपने डिवाइस में इंस्टॉल कर सकते हैं। सबसे पहले मेरे डिवाइस देख लीजिए, रियलमी P1, और इसके अंदर अभी भी गूगल डायल पैड है। हम लोग इसे रिमूव करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें ऑफिशियल रियलमी डायल को डाउनलोड करना है। तो प्ले स्टोर पे चलते हैं, सर्च बार में टाइप कीजिए फोन या ओ डायलर, बहुत सारे एप्लीकेशन मिलेगा, बट हमें ये वाला एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है जिसका डेवलपर है ColorOS। जी हाँ, आपको डेवलपर फॉलो करना है, अगर आप दूसरा किसी एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे तो मेथड काम नहीं करेगा। और ये एप्लीकेशन बाकी तीनों डिवाइस में भी काम करेगा, जैसे कि ओप्पो वीवो आई क्यू, तो डाउनलोड एंड इंस्टॉल करना है। वीडियो स्किप मत कीजिएगा, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि अभी भी मेन सेटअप बाकी है। डाउनलोड डन, ओपन, ओ डायलर सेट करना है एज ए डिफॉल्ट और सबसे पहले परमिशन वगैरह अलाउ कर दीजिए, जो भी परमिशन वगैरह मांगता है। उसके बाद इस एप्लीकेशन को ओपन कीजिए एंड ट्रायल के लिए देखिए, यहाँ पे हम लोग सर्विस नंबर पे कॉल करते हैं, रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने पर यहाँ पे कोई भी अनाउंसमेंट सुनने नहीं मिलता है। तो ये एक बेनिफिट है जो गूगल डायल पैड में नहीं था, बट वो डायलर में है एंड ये एक ऑफिशियल डायल पैड है ओप्पो वीवो आई क्यू एंड रियलमी फोन के लिए। एंड बहुत लोगों को लगे कि मैंने सर्विस नंबर पे कॉल किया जिसके लिए अनाउंसमेंट सुनने को नहीं मिल रहा था, बट स्टार्टिंग में आपने देखा था कि सर्विस नंबर में कॉल करने के बावजूद भी अनाउंसमेंट सुनने मिल रहा था, बट वो डायलर इंस्टॉल करने के बाद ऐसा कोई अनाउंसमेंट सुनने को नहीं मिला है। चाहे तो आप दूसरे किसी नॉर्मल नंबर पे भी डायल करके चेक कर सकते हैं। कॉल रिकॉर्ड के टाइम सेकंड पार्टी को कोई भी अनाउंसमेंट सुनने नहीं मिलेगा। और हाँ, और एक चीज, ये ऐप सिर्फ और सिर्फ चार ही डिवाइस में काम करेगा, ओप्पो वीवो रियलमी एंड आई क्यू डिवाइस में। अदरवाइज दूसरा किसी डिवाइस है, शाओमी सैमसंग मोटरोला एक्सेट्रा डिवाइस में ये एप्लीकेशन काम नहीं करेगा। इसके लिए अलग से एक वीडियो आएगा, तो वो वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इन केस कोई एरर आए तो इसे अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं एंड गूगल डायलर को वापस से यूज भी कर सकते हैं। अनइंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आपको इस तरह से होल्ड करके रखना है, इन्फॉर्म में जाना है एंड क्लिक टू अनइंस्टॉल कर दीजिए एंड ओल्ड वाला गूगल डायल पैड को सिंपली ओपन करना है। बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा या सेट करना पड़ेगा, देन आप ओल्ड वाले भी यूज कर सकते हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर एरर आता है तो आप इसे इस तरह से वापस से ओल्ड वाला यूज कर सकते हैं। तो ये एप्लीकेशन चारों डिवाइस में काम करता है एंड ये ऑफिशियल एप्लीकेशन है ColorOS के नाम से, आप सभी जानते हैं कि ColorOS ओप्पो का ही है एंड ओप्पो का ही OS बाकी सारे डिवाइस में इंस्टॉल किया है रीडिजाइन करके, तो ये चारों डिवाइस में काम करेगा। आपका कौन सा डिवाइस है, काम कर रहा है या नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो बस यही था आज के इस वीडियो में, आगे और भी इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, पर्सनली कोई हेल्प चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए एंड इंस्टा में फॉलो जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।